हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर दिखे, गोरा दिखे, बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखे, हमारे चेहरे पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, दाग धब्बे, मुहासे, पिंपल्स ये सभी ना हो और हमारा चेहरा बहुत सुंदर दिखे। परंतु हर किसी के चेहरे पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाती है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, डेड स्किन सेल्स की प्रॉब्लम हो, डार्क स्पॉट्स हो, दाने हो, मुहासे हो, दाग धब्बे हो, ये सभी प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है तो आज का नुस्खा खास आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो इतना अच्छा वर्क करती है आपके चेहरे पे, एक ही बार में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और इसको आपको केवल हफ्ते में दो से तीन बार ही यूज करना होगा। 2 से 3 बार के बाद ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ही आपको देगी। तो बिना किसी तरीके से नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। तो आपको यहाँ पे एक कंटेनर लेना है जिसके अंदर भी आप इसको बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मक्के का आटा। आपने फ्रेंड्स इसकी रोटी जरूर खाई होगी, जिस तरह से गेहूं के आटे की रोटी बनती है इसी तरह से मक्के के आटे की भी रोटी बनती है। और मैं आपको बता दूं कि मक्के का आटा जो होता है वो चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसका अपने चेहरे पे यूज करते हैं तो ये बेसन से भी ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स देता है, चेहरे को निखारता है, चेहरे पे से कालेपन को, गंदगी को, मुहासे को, दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करता है, चेहरे के अंदर से जाके सफाई करता है और चेहरे का रंग निखारने में भी हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मक्के का आटा ऐड कर दूंगी। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल फ्रेंड्स आपके चेहरे को निखारता है, चेहरे पे से डेड स्किन सेल्स, कालेपन, मुहासे को दूर करता है, साथ ही आपके चेहरे पे से ड्राइनेस को भी दूर करने में हेल्प करता है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच छनी यानी कि शहद। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि शहद कितना अच्छा होता है, चेहरे को ग्लो करता है, ये चेहरे पे निखार लाता है, साथ ही चेहरे हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। और लास्ट में हम यहाँ पे रो मिल्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको धीरे धीरे रो मिल्क ऐड करना है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका मैंने एक पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है। आपको बस ये लेना है और अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है, बिल्कुल आपको फेस पैक की तरह इसको लगाना है। अच्छे से अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करने के बाद आपको इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पे लगे रहने देना है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। और ये आपको लगातार 3 दिन तक करना है। 2 से 3 दिन करने के बाद ही आपको इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, आपके चेहरे पे चाहे दाने हो, मुहासे हो, डीप स्किन सेल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, पिंपल्स हो, ये सभी यूं ही दूर हो जाएंगे, केवल 2 से 3 दिन के अंदर ही दूर हो जाएंगे सारे। आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा, चमक जाएगा। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अपने चेहरे पे दिखाई देगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। फ्रेंड्स मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और अब आप रिजल्ट देख सकते हैं। मेरी स्किन सच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, एक ही बार में मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और अगर आप इसको 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने इसके अंदर जो भी चीजें यूज की है वो सारी नेचुरल होती है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इन चीजों का हमारे चेहरे पर, आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स हमें अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।